बंद करो अपना ड्रामा। तुम्हारी वजह से मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई। तुमने खाना खाया कि नहीं, तुमने पानी पिया कि नहीं, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं होगी, यही सोच सोच के वो बेचारी टेंशन ले रही है। तो बंद करो ये नाटक। अगर आपको ये सब नाटक लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, कुछ देर और की बात है, अब चांद निकल आएगा और ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। व्हाट चांद? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आता। मुझे तुम में या तुम्हारे इस पास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा चांद मिल चुका है और उसी के बारे में नीचे हॉल में सबको बता रहा था। एक साल पहले मैं जिसके साथ डेट पर गया था ना, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तन्नु है। I love तन्नु। She is the true love of my life. Do you get that? जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ ना, तो मुझे चांद नजर आता है। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे बस ठोका नजर आता है। मेरी लंबी उम्र के लिए तुम व्रत तो क्या, अगर अपनी जान भी दे दोगी ना तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम पर यकीन नहीं करता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ तनु से, फिक्र है तो सिर्फ तनु की। यू गेट दैट? उसने मेरे लिए फास्ट रखा है, मेरे लिए भूखी रही, और तुम पता है पति पत्नी ये सारे रिचुअल्स क्यों करते हैं? वो सिर्फ इसीलिए ताकि उनके बड़े खुश हो, लेकिन जब मैं ही खुश नहीं हूं तो मैं अपने बड़ों को कैसे खुश करूंगा? एक और चीज जानना चाहोगी तुम? पति पत्नी का रिश्ता ना बंद कमरे में बनता है, जो कि हमारा है ही नहीं। इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो। बंद कमरे में रिश्ते बनते नहीं, सिर्फ सजते हैं जो कभी भी बिखर सकते हैं। जो रिश्ते जज्बात से बनते हैं कभी नहीं बिखरते। तो फिर हमारे बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता है जो टूट नहीं सकता, वो रिश्ता है नफरत का। ये सच डच के मेरे लिए व्रत रखना, मेरी आंखों में देखकर मीठी बातें करना और मेरा तुम्हारे लिए केयर करना, ये सब एक नाटक है। और ये नाटक हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दादी को लगता है कि हमें एक दूसरे से प्यार है, जो कि है नहीं। वो सब एक दिखावा है। Do you get that? तुम्हें कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन इतना समझ लो कि तनु के लिए मेरा प्यार सच्चा है और तुम्हारे लिए तो मेरी नफरत तक सच्ची नहीं है। तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगता है कि क्या हुआ? चांद दिखाई दे रहा है। अरे सब लोग इधर आओ जल्दी से, देखो चांद निकला आया। अब अपना ये नाटक खत्म करो और चलो, तुम्हें क्लाइमैक्स के लिए बुला रहे हैं। अभी तक तो चुपके खड़ी थी ना, अब सबके सामने खुलेआम खाना। सुनिए क्या? चश्मा। इन्होंने बाहर तो देखा ही नहीं, फिर इन्हें चांद कहाँ दिखा? मेरी आंखों में। क्या किस्मत है मेरी, जिससे शादी होनी थी उससे हुई नहीं, और जिससे नहीं होनी थी वो मेरी किस्मत से जुड़ गई। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था कि मुझे तन्नू की आंखों में चांद दिखा था, पर इसकी आंखों में तो मुझे सच में चांद दिख गया। ये कहीं सच में हिप्नोटिस्ट तो नहीं? अगर इन्हें मेरी आंखों में चांद दिखा मतलब ये मेरे लिए बने हैं। मैंने इनके नाम का कुमकुम लगाया है तो मेरा कुमकुम भाग्य इन्हीं से जुड़ा है। What rubbish? ये आँखों में चांद दिखने का फंडा ही गलत है। मतलब कल को किसी और की आँखों में भी चांद दिख गया तो क्या वो भी मेरी किस्मत से जुड़ जाएगी? Never.